Okay. Initial test. This is the muddiest one. Others are cleared. So this is the problem is. उस जगह में हम लोग को दिखता है पानी के नीचे क्या वो नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा यहाँ पे नहीं दिखता तो इसमें क्या है कि यहाँ तो go down और आप ही मैं जब गया मुझे फील हुआ कि बहुत अंदर गया गाड़ी अंदर पानी पूरे ऐसे ऊपर ऐसे नहीं नहीं जो सामने से दिखेगा उसको नहीं पता I felt the water sprinkling onto my balls it was so deep जीजन you ready I was very nervous because if the bike would got stopped nothing happened if it stopped we'll go स्टे ट्यून्ड गाइस और भी मजेदार मजेदार सब व्यूज आने वाले हैं लेट्स गेट गोइंग टू पैंगोंग यस चल 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 ओह शिट अगेन 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 वाटर क्रॉसिंग हाँ बट इट इज बेटर देन लास्ट वन कीप द राइट
अभी हम लोग दुर्बुक से बस 10 किलोमीटर पीछे एक जगह में रुके हैं। एक्चुअली प्लान था कि हम दुर्बुक में रुकेंगे, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है कि हम रोक नहीं पाए और थोड़ा यहाँ पे रुके हैं। ये लैंडस्लाइड जोन है, पूरा इलाका लैंडस्लाइड का जोन है, फिर भी थोड़ा रिस्क उठा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा रुक के थोड़ा एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक ड्रोन शॉट लेने के लिए, देखते हैं आता है कैसे आता है। सो इट्स 4:30 PM नाउ और अभी हम लोग आके पहुँचे पैंगोंग लेक, और मैं बयान नहीं कर सकता ये जगह कितनी सुंदर है। ओह सो ब्यूटीफुल, ब्लू एवरीवेयर, स्काई इज ब्लू। मैं आपको दिखाता हूँ, बोल के कुछ फायदा नहीं है, दिखाता हूँ। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया, नोज रेड, गाल वाल सब रेड। चलो कोई नहीं, हम लोग अभी आके पहुँचे हैं पैंगोंग लेक, पहुँच गए थे लेकिन जो स्टे है 5-6 किलोमीटर आगे आना पड़ता है, तो हम लोग आज यहाँ पे रुकने वाले हैं गेस्ट हाउस से। होम स्टे राइट, और पीछे आप देख सकते हैं पैंगोंग लेक है। तो आज रात हम लोग रुकने वाले हैं और चीचिन का गाड़ी का बहुत बुरा बुरा हाल है और वो खींच ही नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। तो मैं और पिंकू भाई दोनों साथ में जा रहे हैं पैंगोंग लेक के पास ताकि एक ड्रोन शॉट ले सकें। पिंकू भाई टेक द ऑफ रोड। ओके फाइन। And it's an impulse ride. Check out the bike. क्या बाइक है यार, कहीं भी घुस जाता है। This way, that way. कहाँ भी गाड़ी जा पा रहा है।
झूले 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 स्माइल स्माइल ही सो क्यूट। अभी हम लोग इसमें पेट्रोल रिफुल करने वाले हैं क्योंकि आगे 200 किलोमीटर तक कोई भी फ्यूल पंप नहीं है, सो रिफुलिंग नाउ। ধর এটা গোটা আছে अभी रात के 11:30 बज रहा है और हम एक छोटे से कमरे के अंदर हम तीन मैं चिचिन और पापा हुईली मिस्टर सुमन प्रेडा ये रात बिता रहे हैं और अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है करीबन 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास है, रात को माइनस में जाने का चांसेस है। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हम लोग को। हम लोगों ने आज बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किए हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। थोड़ा डर लगा लेकिन मज़ा बहुत आया। और पैंगोंग लेक मैं बता नहीं सकता, मतलब कितनी सुंदर है पैंगोंग लेक। मतलब ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मैं कुछ देखा हूँ वो है पैंगोंग लेक। मैं बयां नहीं कर सकता कितनी सुंदर है। और ये दोनों सो रहे हैं, और कल हम लोग जा रहे हैं वापस ले। और एक बहुत टफ पास है जो है कि चांगला बोल के एक जगह का नाम है, वो हमको पास करना है और वहाँ पे भी बर्फ़ बर्फ़ देखने के लिए मिलता है। तो हर दिन हमको कुछ नया नया देखने के लिए मिल रहा है और ये राइड दिन ब दिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार होते जा रहा है। और बाकी और 8-9 दिन है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग बस म्यूजिक एंजॉय करो, व्यू एंजॉय करो। ओके, बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो।